स्वागत है आपका राजेश आयुर्वेदिक टिप्स चैनल पे। ये जो आप पौधा देख रहे हैं इस समय पर, ये भारत के सभी मैदानों में, खेतों में, खलिहानों में, उद्यानों में, सड़कों किनारे, मकानों के किनारे ये बहुतायत से पाया जाता है। ये कुप्पी का पौधा है, भारत के सभी प्रदेशों में ये पाया जाता है। भाइयों, इसे इंडियन कॉपर लीप के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर माने तांबा होता है। ये भारतीय ताम्रपत्र का पौधा माना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ये आयुर्वेद में इसका इसी तरह से वर्णन है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि पौधा है। आयुर्वेद में इस पौधे की कुप्पी, हरित मंजरी, खोखली, मुक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। यह पौधा भारतीय ताम्रपत्र के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं अपने दोस्तों भाइयों को इसी पौधे की पहचान, गुणधर्म व फायदों के बारे में बताऊंगा। वर्षा ऋतु में ये पौधा जगह जगह उगाता है, सभी जगह अपने आप उगता है। ये सामान्यतः लगभग 3 फुट तक ऊंचा हो सकता है। इस पौधे में पत्तियों के नीचे कुप्पी के आकार के, ये देखिए भाइयों, ये इसमें मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये कुप्पी के आकार के बनावट की वाली मंजरी लगती है, जो देखने में बहुत सुंदर एवं आकर्षक लगती है। यह रेचक एवं उल्टी के प्रभावशाली गुण रखती है। ये बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर ये पौधा, इसमें इस प्रकार से ये कुप्पी, जैसे ये संरचना इसकी होती है, इसमें ये मंजरी लगती है। यह ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में सूजन, श्वास रोग, दमा, पेट के कीड़े, डायबिटीज, घाव, फोड़ा, फुंसी, चेहरे के दाग, मुहासे, सिरदर्द में, कान के दर्द में, निमोनिया में, गठिया में, कब्ज में, पेट दर्द में, बवासीर आदि रोग में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी जड़ व पत्ते रेचक होते हैं। पत्तों का रस वमनकारी होता है। ताजे पत्तों का रस किसी भी तरह की फोड़ा, फुंसी, एक्जिमा, सोराइसिस, रिंग वार्म आदि में प्रयोग किया जा सकता है, और ये उसमें बहुत ही तुरंत फायदा पहुँचाता है भाई। ऐसे अन्य औषधि पौधों की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको नए वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। हमारे घर में रहने वाली बिल्ली को यह पौधा बहुत प्रिय है। बिल्ली को जब कोई पेट की समस्या हो जाती है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या, या लीवर आंतों का उसको कोई संक्रमण हो जाता है, तो वो इस पौधे को ढूंढ कर इसकी पत्तियों, जड़ों को खाती है, और अपने कब्ज और कॉन्स्टिपेशन और अपने लीवर, किडनी, जो भी उसको प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करती है। और इसको खाने से उसको उल्टी भी हो जाती है, जिससे उसके पेट से विषैले तत्व तो बाहर हो जाते हैं, बिल्ली पुनः स्वस्थ हो जाती है। बिल्ली की कब्ज की समस्या भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये एक बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसको हम किस प्रकार से और अपनी बीमारियों में, जैसे वमन उल्टी के लिए इसके पत्तों के रस का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी जड़ का प्रयोग भी किया जा सकता है। काढ़ा बनाकर इसका सेवन करें आप, 20 से 25 ml। पत्तियों को पीसकर शरीर में कहीं भी दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी, रिंग वार में लगाकर ठीक कर सकते हैं। त्वचा रोगों के लिए रामबाण औषधि है। ये तुरंत त्वचा के रोगों को ठीक करता है। लीवर, किडनी, अस्थमा की समस्या में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर 20 ml तक प्रयोग कर सकते हैं। लीवर स्वस्थ व किडनी साफ हो जाएगी। हाथों में कीड़े हों व पेट दर्द हों तो भी आप इसका 20 ml तक काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं। पत्तियों को चबा भी सकते हैं। पत्तियों का काढ़ा का प्रयोग उबकाई को दूर करने में भी किया जाता है। इसके काढ़ा का प्रयोग जॉन्डिस को ठीक करने में किया जाता है। काढ़ा उसी प्रकार से बनाना जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब 1/4 पककर रह जाए, 2 गिलास पानी, आधा गिलास बच जाए, काढ़ा तैयार हो जाता है। मुहासे, चेहरे के दाग धब्बे इसकी पत्तियों के रस को लगाने से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। पत्तियों को रस को हल्दी में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी मुहासे बहुत जल्दी क्योर होते हैं। कीट पतंगे, बर, ततैया, चींटी आदि के काटने पर हरित मंजरी की पत्तियों का रस लगाने से अथवा पत्तियों का पेस्ट बनाकर लगाने से जलन व पीड़ा में आराम हो जाती है। पाइल्स की समस्या में हरित मंजरी व तुलसी की समान मात्रा में सूखी पत्तियों को पीसकर पाउडर बना लें, फिर 1/4 चम्मच गुनगुने पानी से सेवन करने से बवासीर ठीक हो जाता है। कुप्पी खोखली के पौधे को पत्तियों को 2 चम्मच जूस को अस्थमा में बहुत अच्छा माना गया है। इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लें, उस पाउडर को गर्म पानी से पेस्ट बना लें, फिर उसको चेहरे पर अनचाहे बालों को हटाने के लिए, जो होठों के ऊपर हो जाते हैं महिलाओं को विशेषकर, ऐसे महिलाओं को
जिनके चेहरे में अनावश्यक बाल उगाते हैं वो उनसे परेशान रहती हैं, तरह तरह के प्रयोग करती रहती हैं कि ये चेहरे के बाल हट जाएं, लेकिन वो हटते नहीं। इसके लिए हरित मंजरी, इसको पहचान लीजिए आप, इस प्रकार से इसकी बनावट होती है, को आप इसकी इसके पेड़ की पत्तियों को ले आएँ घर और उनको पूरी तरह से सुखा लें, और सुखाने के बाद उसमें उसका पाउडर बना लें, उसमें थोड़ी हल्की सी हल्दी मिला लें और उसको डेली जो है ना अपने उन अनचाहे बालों पर लगाएं। वो धीरे धीरे वो बाल पतले होते चले जाएंगे। कुछ समय लगेगा लेकिन ये इलाज परमानेंट है, आपका चेहरा बिल्कुल बालों से मुक्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।